स्वागत है, देखते हैं आज की बड़ी खबर। कार में लगी आग से जिंदा जली माँ और दो बेटियाँ, परिजन बोले पति नहीं लगाई आग। नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में चलती कार में आग लगने से हुई माँ और दो बेटियों की मौत। इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। मृतक महिला के परिवार वाले इस पूरे हादसे पर शक जाहिर करते हुए महिला के पति पर आरोप लगा रहे हैं। मृतक महिला के पति पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने कार में माचिस से आग लगाई। हालांकि पुलिस अभी भी इस मामले को हादसा बता रही है। वहीं मृतक महिला का पति इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। बता दें कि रविवार शाम पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद के लोनी का रहने वाले उपेंद्र अपनी तीन बेटियों और अपनी पत्नी को लेकर कार से दिल्ली के कालकाजी इलाके में जा रहे थे। जैसे ही उपेंद्र की कार अक्षरधाम फ्लाईओवर पर पहुंची, कार में अचानक आग लग गई। उपेंद्र ने तुरंत कार को सड़क किनारे रोका और कार के आगे की सीट पर बैठी अपनी बेटी को निकाला। उपेंद्र जब तक पिछली सीट पर बैठी अपनी पत्नी और बाकी दोनों बेटियों को निकालता, कार में आग लग चुकी थी। उपेंद्र और उसकी एक बेटी के सामने ही उसकी पत्नी और दोनों बेटियां जिंदा जल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक आग पर काबू पाते तीनों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। वहीं सोमवार को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में तीनों का शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। महिला के परिजनों का आरोप है कि उपेंद्र पत्नी के साथ मारपीट करता था। मृतक महिला के परिजनों के हवाले से बताया जा रहा है, जो बेटी जलने से बची है उसने बताया कि पापा ने ही कार में आग लगाई है। हालांकि उपेंद्र ससुराल पक्ष के सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। उसका कहना है कि उसका अपने पत्नी के साथ अच्छा संबंध है, वह लोग घूमने जा रहे थे तभी यह हादसा हुआ। कोई माचिस से कार में आग नहीं लगा सकता। फिलहाल पुलिस भी इस मामले को हादसा बता रही है। डीसीपी जसमीत सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच में पाया गया कि कार में आग लगी, जो एक हादसा है। आगे की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। साथ ही FSL रिपोर्ट से पूरा मामला साफ हो जाएगा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।